दोस्तों, हमारे कुछ YouTube मित्र हमें लगातार कमेंट करके बता रहे थे कि आप गोल्ड के ऊपर अलग से वीडियो बना के गोल्ड के ऊपर आपका आने वाले समय के लिए क्या व्यू है वो शेयर करें। दोस्तों, हम सही समय का इंतज़ार कर रहे थे और हमें लगता है कि ये सही समय है गोल्ड के ऊपर अलग से वीडियो बनाकर आपको बताने का कि हमारा गोल्ड के ऊपर आने वाले समय के लिए व्यू क्या है। ये वीडियो से हम आपको दो चार्ट शेयर करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि गोल्ड के लिए आने वाले समय के लिए हमारा व्यू क्या है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके। दोस्तों, ये वीडियो से हम आपको जो पहला चार्ट शेयर कर रहे हैं वो है ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स का। दोस्तों, आप देख सकते हो गोल्ड के अंदर जब बड़ा बुल मार्केट आया था 1999 से 2011 तक, उसी समय पे ये कमोडिटी इंडेक्स के अंदर भी एक बहुत बड़ी रैली आई थी जिसके अंदर ये ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स 1999 में जो 74 पे था वो 2008 में 238 तक ऊपर आ चुका था। 2008 में 238 का हाई बनाने के बाद 2020 में ये इंडेक्स ने 60 का लो लगाया। आप ये वीडियो के अंदर क्लियरली देख सकते हो पिछले 12 सालों से ये इंडेक्स एक बियर ट्रेंड में है। अभी आप सोचोगे कि ये ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स का और गोल्ड का क्या रिलेशन। तो दोस्तों, गोल्ड एक कमोडिटी है और ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स के अंदर ये भी शामिल है। ये इंडेक्स के अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज एनर्जी सेक्टर का है जिसका वेटेज 30% के पास है। ये एनर्जी सेक्टर के अंदर क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गैसोलाइन, डीजल जैसी कमोडिटीज आती है। दूसरा बड़ा वेटेज ग्रेन सेक्टर का है जिसका वेटेज 22.20% का है। ये सेक्टर के अंदर कॉर्न, सोयाबीन, सोयाबीन मील, व्हीट, सोयाबीन ऑयल जैसी कमोडिटीज आती है। तीसरा बड़ा वेटेज इंडस्ट्रियल मेटल्स का है जिनका वेटेज 17.50% का है। ये सेक्टर के अंदर कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक और निकेल जैसी कमोडिटीज आती है। चौथा बड़ा वेटेज प्रीशियस मेटल सेक्टर का है जिसका वेटेज 17.40% है। प्रीशियस मेटल के अंदर दोस्तों गोल्ड और सिल्वर आते हैं। आप गोल्ड का वेटेज ये ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स के अंदर देखो, गोल्ड का वेटेज दोस्तों 13.62% का है। आप जितनी भी कमोडिटीज आपके सामने अभी है उनको देखो, किसी का भी वेटेज गोल्ड के बराबर का नहीं है। गोल्ड का वेटेज ऑलमोस्ट ये सभी कमोडिटीज से डबल है। उसी तरह से सिल्वर का ये इंडेक्स के अंदर वेटेज है 3.78% का। जैसे कि दोस्तों हमने आपको अभी दिखाया, गोल्ड का ये ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स के अंदर वेटेज बहुत ही ज़्यादा है जो कि 13.62% का है। और अगर हम आपको बताएं कि ये ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स अभी ब्रेकआउट के लिए रेडी हो चुका है तो आप भी सोचो गोल्ड के अंदर बड़ा बुल मार्केट आएगा कि नहीं आएगा। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया कि ये ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स के अंदर हाई लगा 238 का 2008 के अंदर, और उसके बाद ये इंडेक्स के अंदर एक बड़े गिरावट की शुरुआत हुई जिसके अंदर ये इंडेक्स ने लो लगाया 60 का 2020 के अंदर, और उसके बाद से ये इंडेक्स अभी ऊपर जा रहा है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो पिछले 12 सालों से ये इंडेक्स एक बड़े फॉलिंग चैनल के अंदर काम कर रहा है जिसके अंदर इसने ऊपरी ट्रेंड लाइन के पास 3 बार रेजिस्टेंस लिया और नीचे की ट्रेंड लाइन के पास 3 बार सपोर्ट लिया, और 12 साल के बाद ये इंडेक्स अभी ब्रेकआउट दे रहा है। आप क्लियरली देख सकते हो 12 साल के बाद ये ट्रेंड लाइन के बाहर पहली कैंडल बनी है। तो दोस्तों, ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स 12 साल के बाद एक बड़ा ब्रेकआउट दे रहा है। दोस्तों, अभी सोचो कि ये ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स अगर 12 साल के बाद बड़ा ब्रेकआउट दे रहा है तो गोल्ड जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है 13.62% का ये इंडेक्स के अंदर, उसके अंदर एक बड़ा बुल मार्केट आएगा कि नहीं आएगा। दोस्तों, अभी ये आपको खुद को सोचना है क्योंकि हमने आपको क्लियरली दिखाया है कि ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स के अंदर 12 साल के बाद एक बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है।
दोस्तों जब भी कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ती है, इन्फ्लेशन भी उसके साथ बढ़ता है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, इंडिया के अंदर 2004 में 3.77% का इन्फ्लेशन रेट था, जो बढ़कर 2010 में 12% का हो गया। आप उसी समय पे गोल्ड की प्राइसेस भी इंडिया के अंदर चेक कर सकते हो, जो गोल्ड की प्राइसेस 5,800 थी 2004 में, वो बढ़कर 2010 में 21,000 तक ऊपर आ गई। 2010 के अंदर 12% का हाई लगाने के बाद से इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा था, लेकिन पिछले 3 साल से आप देख सकते हो इंडिया के अंदर फिर से एक बार इन्फ्लेशन बढ़ने लगा है, और 2019 में इंडिया के अंदर 7.66% का इन्फ्लेशन रेट था। उसी तरह से दोस्तों आप गोल्ड को भी देख सकते हो, 2017 में जो गोल्ड 27,000 का था, वो 2020 में 56,000 तक ऊपर आ गया था। तो जैसे कि हमने आपको अभी वीडियो के अंदर दो एग्जांपल से समझाया कि इन्फ्लेशन और गोल्ड का डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि जब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, गोल्ड की प्राइसेस उसके साथ साथ बढ़ेगी, और इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन रेट अभी ब्रेकआउट लेवल पे खड़ा है, और हमें लगता है आने वाले सालों में इन्फ्लेशन यहाँ से भी और ऊपर जाने वाला है। और उसका महत्वपूर्ण रीज़न दोस्तों ये है कि 12 साल के बाद कमोडिटी इंडेक्स ने, जैसे कि हमने आपको वीडियो में दिखाया, 12 साल के बाद कमोडिटी इंडेक्स के ऊपर बड़ा ब्रेकआउट आया है, तो कमोडिटी की प्राइसेस यहाँ से और भी ऊपर जाने वाली है। और कमोडिटी की प्राइसेस अगर यहाँ से ऊपर जाने वाली है, तो वो इन्फ्लेशन भी साथ में लाएगी। दोस्तों इंडिया में ही नहीं, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, जो गोल्ड को और ऊपर लेके जाएगा। तो जैसे कि हमने आपको अभी वीडियो में दिखाया कि ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स ने 12 साल के बाद एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है, तो कमोडिटी की प्राइसेस यहाँ से ऊपर ही जाने वाली है, और जब भी कमोडिटी की प्राइसेस ऊपर जाएंगी, वो इन्फ्लेशन साथ में लाएगी। और इन्फ्लेशन से बचने के लिए दोस्तों बड़े लोग हमेशा गोल्ड को ही खरीदते हैं, जो गोल्ड की डिमांड और बढ़ाएंगे, जो गोल्ड के प्राइसेस के ऊपर और इम्पैक्ट डालेंगी। तो दोस्तों ये थे दो महत्वपूर्ण रीज़न जिसकी वजह से हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर जो ये बड़ा बुल मार्केट चल रहा है, वो जारी रहेगा। चलो अब आने वाले दिनों में गोल्ड कैसे परफॉर्म कर सकता है पता करते हैं। जैसे कि हमने हमारे हर वीडियो में आपको बताया है कि $1,825 से लेकर $1,750 का एरिया गोल्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट है, क्योंकि दोस्तों ये पहले एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस हुआ करता था, जो गोल्ड ने जुलाई 2020 में एक बड़ी कैंडल से तोड़ा। और आप देख सकते हो गोल्ड ने ये 6 महीने की गिरावट के अंदर ये 1,750 के लेवल को छुआ भी नहीं है। दोस्तों पिछले कुछ महीनों से गोल्ड $1,750 के पास ही घूम रहा है, और बहुत सारे लोगों को अभी लगता है कि ये लेवल सेफ नहीं है और गोल्ड इसे आने वाले समय में तोड़ सकता है। हमें लगता है कि गोल्ड 1,750 के लेवल को मंथली बेसिस पे तो नहीं तोड़ेगा, लेकिन अगर गोल्ड इसे तोड़ता है, तो गोल्ड के मंथली चार्ट पर और एक महत्वपूर्ण लेवल है जो इसे सपोर्ट देगा। यहाँ पे गोल्ड ने 3 बार रेजिस्टेंस फेस किया था, 8 बार सपोर्ट लिया था, फिर से 2 बार रेजिस्टेंस फेस किया था, और फिर से 3 बार सपोर्ट लिया था। उसी तरह से 2016 से 2020 तक जो ये बड़ी रैली गोल्ड के अंदर बनी है, उसका 50% फिबोना की लेवल भी यहीं पे आता है। जी हाँ दोस्तों, $1,560 का लेवल गोल्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण लेवल है, जहाँ पे गोल्ड ने 11 टाइम सपोर्ट लिया है, 5 टाइम रेजिस्टेंस फेस किया है, और 50% फिबोना की लेवल भी यहीं पे आता है। दोस्तों गोल्ड के अंदर जो एक बड़ी गिरावट आई, और उसके बाद से अब तक जो ये कंसोलिडेशन चल रहा है, उस वजह से बहुत सारे लोगों को लगता है गोल्ड का बुल मार्केट ख़त्म हो चुका है, लेकिन हम उन्हें बताना चाहेंगे कि 1999 से 2011 तक जो गोल्ड के अंदर बड़ा बुल मार्केट आया था, उसके अंदर ऐसे बड़े 5 करेक्शन एंड कंसोलिडेशन हुए थे। उसके बाद भी गोल्ड $254 से $1,912 तक ऊपर आया था। सबसे बड़ा कंसोलिडेशन दोस्तों गोल्ड के बुल मार्केट के स्टार्टिंग फेज में हुआ था, जहाँ पे 1,157 दिनों तक करेक्शन एंड कंसोलिडेशन चला। दूसरा बड़ा करेक्शन एंड कंसोलिडेशन दोस्तों 578 दिनों तक चला। तीसरा करेक्शन एंड कंसोलिडेशन 457 दिनों तक चला। चौथा करेक्शन एंड कंसोलिडेशन 518 दिनों तक चला। और आखिरी वाला कंसोलिडेशन और करेक्शन 273 दिनों तक चला। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हो कम से कम 1 से 1.5 साल तक
गोल्ड ने अपने पिछले बुल मार्केट में 5 बार करेक्शन एंड कंसोलिडेशन किए थे 2016 में। जो ये बड़ा बुल मार्केट गोल्ड के अंदर शुरू हुआ है दोस्तों, उसके अंदर सबसे बड़ा करेक्शन एंड कंसोलिडेशन 1247 दिनों तक चला, जो गोल्ड के बुल मार्केट के स्टार्टिंग फेज में ही हुआ। उसके बाद से दोस्तों गोल्ड के अंदर आप देख सकते हो कोई भी बड़ा करेक्शन एंड कंसोलिडेशन नहीं हुआ है। ये जो अभी करेक्शन एंड कंसोलिडेशन चल रहा है वो सिर्फ 151 दिनों का है। यानी कि दोस्तों पिछले बुल मार्केट में जो 500 दिनों के करेक्शन एंड कंसोलिडेशन हुए थे, उसके सामने ये करेक्शन एंड कंसोलिडेशन तो कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो का सारांश ये है कि ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स ने 12 साल के बाद एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है, और ये ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स के अंदर गोल्ड का बड़ा वेटेज है जो कि 13.62% का है। उसी तरह से इन्फ्लेशन भी अभी ब्रेकआउट लेवल पे खड़ा है। तो दोस्तों अभी आपको ही डिसाइड करना है कि गोल्ड के अंदर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो कि नहीं चाहते, क्योंकि हमने आपको ये भी दिखाया है कि गोल्ड के बुल मार्केट के अंदर कितने बड़े करेक्शन और कंसोलिडेशन होते रहते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।